नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 27 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन आप फोकस्ड रहेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, गोल ओरिएंटेड रहेंगे, एनहेंस्ड आपका विजन रहेगा कि किस तरफ मुझे चलना है, कहाँ मैं आज के दिन अपने आप को देख पा रहा हूँ। साथ ही साथ आप प्रोफेशनली कुछ ना कुछ बेटर टेक्निक्स लगा पाएंगे या सिचुएशन को बेटर एसर्टेन कर पाएंगे और उसी के हिसाब से आगे चल पाएंगे। आज के दिन मूवमेंट कुछ इंडिकेटेड है, अपने कार्य क्षेत्र से कुछ ना कुछ बेहतर परिवर्तन करने की सोच रखेंगे, स्ट्रैटेजीज को लागू करेंगे, मन को स्ट्रांग करेंगे। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है अगर आप प्रोफेशनली कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं या अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप इसी थॉट पैटर्न को लेकर विचारधारा को चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत अपने लिए बोथ वेज, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली एंड एट द सेम टाइम परिवार वाइज भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन टैक्टफुली अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है, आज के दिन टैक्टफुली अपनी चीज़ों को सोच के समझ कर लेकर चलना है। एट द सेम टाइम आपके पास्ट में किए गए प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आज के दिन आपका फीडबैक इंक्रीज करेंगे और उसी के चलते आपको कोई नया टास्क, नया प्रमोशन, नया कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ एक चेंज चाहते थे तो वो भी आ रहा है, चाहे वो विचारधारा के थ्रू आए, चाहे वो कहीं ना कहीं छोटी सा एक चेंज लेकर आए, लेकिन वो आपकी मानसिकता और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी इजाफा करते हुए जाएगा। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने प्रोफेशनली एस्पेक्ट में तो कहीं ना कहीं एनहेंसमेंट देखेंगे ही, साथ ही साथ अपनी ईएमआईज को बेटर रिस्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे, या मैं ये कहूँ कि अब आपको जो चिंता होती थी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर या आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको लेकर, वो आप बेटर अब मॉनिटर भी कर पाएंगे और रिस्ट्रक्चर भी कर पाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन परिवार के साथ रहिए, साथ ही साथ आप परिवार के साथ रहेंगे तो रिलैक्स्ड भी होते रहेंगे। जो आपको काम भर का एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है वो आपको रेगुलर परिवार से सपोर्ट मिलते हुए मिल जाता है। एट द सेम टाइम आज के दिन राइट स्ट्रैटेजी, राइट टाइम और राइट प्लेस का एक ब्लेंड होना चाहिए, परफेक्ट ब्लेंड होकर चलिए कार्य क्षेत्र में। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी विचारधाराओं में और अपने काम करने की क्षमता या पराक्रम में भी आपको वृद्धि होते हुए आज के दिन दिखाई देगी। आज के दिन अपर बॉसेस से भी कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन, गो अहेड मिल सकता है। आपके कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति के भी साधन, अवसर खुलकर सामने आएंगे। साथ ही साथ काम करने के साथ साथ आप कोई नई एक नज़रिया डेवलप कर सकते हैं, कोई नया बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पे भी आपका ध्यान जा सकता है और उसको भी आप पेपर पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश आज के दिन कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको फाइनेंशियल्स इम्प्रूवमेंट के दायरे में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं से गेन हो सकता है। अगर आपने कहीं ऋण लिया हुआ है तो आप उसको बेटर प्लान कर पाएंगे, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, परिवार के साथ आप थोड़ा सा टाइम बिता पाएंगे। हाउएवर कहीं ना कहीं प्रोफेशनली जो टेंशन होती है वो आपको कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ जो टेंशन हो रही है वो एक छोटी सी बात को लेकर ईगो इशू हो जाता है प्रोफेशनली, तो वहाँ पर आपको चेक पॉइंट बनाने की ज़रूरत है कि कुछ लोग आपको सिर्फ प्रोवोक कर रहे हैं या वो एक्चुअली में एक हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइसेस को इंटैक्ट रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत आपको टैक्टफुली इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि लोग जानबूझकर आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई वो चाहते हैं कि आपकी सिचुएशंस में पॉजिटिविटी आए। साथ ही साथ अपनी मेंटल पीस को आज के दिन इंटैक्ट रखकर महत्वपूर्ण डिसीजंस प्रोफेशनली भी और परिवार के हित के भी के संबंध में आज के दौरान आप ले सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन अपने दिन को इफेक्टिवली प्लान करना है क्योंकि प्रोफेशनली आर्थिक उन्नति के संदर्भ में आप किसी व्यक्ति विशेष, अपने पुराने मित्र से आप कहीं ना कहीं कोई सलाह मशवरा ले सकते हैं। आज के दिन कार्य क्षेत्र में अगर डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट कुछ अराइज हो रहा है तो उसको टैक्टफुली एंड लॉजिकली हैंडल करने की कोशिश करिए। ऑफेंसिव नहीं होना है, लॉजिकली आपको डिसीजन लेना है, ईगो पे या फिर आपको अपने ऊपर चीज़ों को नहीं लेना है। अगर प्रोफेशनली कहीं ना कहीं हिकअप्स आते हैं तो आप उसको अपनी क्षमता से, अपनी क्लियर थिंकिंग से और अपनी ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी को लेकर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें उलझते जाएंगे तो आप अपना टाइम भी किल करेंगे एंड एट द सेम टाइम जो आपके दिन को शुरुआत करने
के समय जो प्राथमिकताएं थी वो भी कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आएंगी। परिवार के साथ भी आपको आज के दिन महत्वपूर्ण समय बिताने की सख्त जरूरत है, तो बैलेंस स्टेट में रहिए ताकि आप दोनों ही एस्पेक्ट को टाइम दे सकें। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे आप काम कर सकते हैं, वेट मैनेजमेंट इश्यूज को भी आप हैंडल कर सकते हैं, वेट पे भी हेल्दी डाइट ले सकते हैं, वेट पे आपका नियंत्रण बना रहेगा, कहीं ना कहीं आप इनिशिएटिव्स लेंगे, मोटिवेट रहेंगे अपने ऊपर काम करने के लिए। और अब आप जो भी आपने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, चाहे वो डाइट इंप्रूवमेंट हो चाहे वो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हो, अब वो काम करके आपको कोई ना कुछ रिजल्ट देकर जाएगी। माइंड बॉडी सोल का आज के दिन बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है, साथ ही साथ आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे बैलेंस बनाने के लिए। ओल्ड कॉन्टैक्ट्स रिवाइव कर सकते हैं आप, किसी व्यक्ति विशेष से टच में आ सकते हैं और वो आपको प्रोफेशनली आगे की चीज़ें या रणनीति प्लान करने के लिए मदद कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने किसी पुराने मित्र से बात करें और वो आपको कहीं ना कहीं ऑफर, रिकमेंडेशन, कुछ रास्ता, कोई दिशा, कोई निर्देश, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी एक दे सकते हैं। इस चीज़ को, सिचुएशन को आपको आकलन करते हुए टैक्टफुली आगे बढ़ने की आज के दिन सख्त जरूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन प्रोफेशनली आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आज के दिन रीडिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को। और अब समय आ गया है परिवर्तन के लिए, चेंज का आ गया है। अपने दिन को टैक्टफुली प्लान करिए, परिवर्तन आपको अपने कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थान में कहीं ना कहीं से आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। जितनी आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को एड्रेस करेंगे उतनी आप अपनी चीज़ों में पॉजिटिव डिवेलपमेंट जल्दी के साथ होता हुआ देखेंगे। रेस्टलेस नहीं होना है, खास तौर पे प्रोफेशनल मैटर्स में। अगर आपको लगता है कि आप कहीं से इंटरव्यू कॉल अवेट कर रहे थे, आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो बैकअप में कुछ ना कुछ ऑप्शन रखने की कोशिश करिए। कंटिन्यू आपको निरंतर प्रयासरत रहने की ज़रूरत है। ऑन होल्ड कर दीजिए वो चीज़ें, उन चीज़ों को रोक दीजिए जो आपको टेंशन में डालती हैं, उसकी तरफ इग्नोर कर दीजिए, अपना ध्यान मत दीजिए उन एस्पेक्ट्स की तरफ जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे लेकर आते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज के दिन रिलैक्स रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अक्वेंटेंसेस के साथ आप बिजी रह सकते हैं, इन्वॉल्व रह सकते हैं, पूरे दिन एंगेज्ड रह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या वो दिन आपका प्रायोरिटी वाइज आपने चीज़ों को अटेंड किया, क्या वो चीज़ आपकी सिचुएशंस को बेटर कर रही है, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी जो आपने सोची थी वो इंक्रीज हो रही है, क्या प्रोफेशनली आप कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन अनड्यू प्रेशर लेने से बचें, कार्यक्षेत्र में लोड ना लें, जितना आप कमिटमेंट कर सकते हैं अडेरेंस उतना ही कमिट करें। एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, तो सोच समझ कर सारे प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकलिए, और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए, नहीं तो आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करने में भी मदद करेगा। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। आज के दिन हेल्थ पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, फिनेंशियल्स आपके इम्प्रूव होंगे, कहीं ना कहीं आप उसको बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे कार्यक्षेत्र में जहां तक सवाल है। लेकिन आज के दिन डाइट कॉन्शियस होने की सख्त ज़रूरत है। आज के दिन आपको हैंडल करना है कार्यक्षेत्र में टैक्टफुली उन इश्यूज़ को जो आप पर पहले से लंबित चले आ रहे थे, डिले हो रहा था, या फिर आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप पेंडिंग इश्यूज़ को भी आज के दिन आप टैक्टफुली एड्रेस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कहूँ या सेविंग्स की बात करूँ तो उस पर भी आज के दिन आपका ध्यान जाएगा और आप उसको लॉजिकली एंड टैक्टफुली हैंडल भी चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। साथ ही साथ परिवार में एक नई हारमोनी आएगी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स या नए वेंचर्स पे आप ध्यान भी दे सकते हैं, सोच भी सकते हैं, और कहीं ना कहीं परिवार के किसी सदस्य के साथ बातचीत करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। कुल मिला के ये सिचुएशन, ये परिस्थिति आपको मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए, मन भी आपका शांत होगा और हेल्थ में भी आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, कार्यक्षेत्र में आज के दिन आप कहीं ना कहीं जो आपने पहले सोचा था उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बनी रहेगी, सोशली आप एक्टिव भी रह सकते हैं, लेकिन वो टैक्टफुली प्लान करना है कि आप ऐसे ही एक्टिव हैं जहां पर आप टाइम पास कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप इंगेज्ड होकर कुछ प्रोडक्टिव अपने लिए नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन फ्रेंड्स, आपके एक्वेंटेंसेस, आपके रिलेटिव्स के साथ जो आप बातचीत करेंगे उससे कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस ग्रहण करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग डेवलप होगी,
कहीं ना कहीं आप विस्तार के फेज में भी जा रहे हैं, चाहे वो आपकी आर्थिक उन्नति के संदर्भ में मैं बात करूं या पारिवारिक स्थिरता की तरफ बात करूं, कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाने के लिए जो लगे हुए थे इतने समय से, अब वो सिचुएशन बड़े समय के बाद आई है, रिस्टोर रखिए इसी मेंटल बैलेंस को। आपकी सिचुएशंस बेहतरीन तरीके से आपके चाहने के अनुसार चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आज के दिन ज़रूरी है, चाहे आप शिक्षा के फील्ड में क्यों ना हो, अध्ययन अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हो, किसी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो या किसी संस्था में कार्यरत हो, आज के दिन अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करिए या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन लाइए। घर में हाउएवर थोड़ा सा तनाव हो सकता है, आज के दिन आपको छोटी मोटी नोकझोंक से अपने आप को बचाना चाहिए, साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को आप सलाह दे सकते हैं या आर्थिक रूप से उसकी मदद भी कर सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि परिवार में छोटा मोटा तनाव हो जाए या नोकझोंक हो जाए, तो टैक्टफुली आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं या अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करके चल सकते हैं। दान धर्म आज के दिन आपको करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको इससे सुकून भी मिलता हुआ नजर आएगा। जो आप दूरदर्शिता अपने दिखा रहे हैं, अपना विजन एनहांस करके चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आज के दिन आपका ये किया हुआ छोटा सा काम आपको रेस्ट रेजुविनेट मोड में लेकर आ जाएगा, जहां पर आप अपनी सिचुएशंस को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी लॉजिकल अप्रोच को इंटैक्ट रखते हुए महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। आज के दिन इमोशनल नहीं होना है, रैशनल होइए, लॉजिकल होइए, प्रैक्टिकल होइए, लेकिन इमोशनल होंगे तो आप अपना ही काम बिगाड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, लेकिन समय की मांग परिवर्तन को देखते हुए आज के दिन अगर वो आपको लगता है महत्वपूर्ण है तो आप उस चीज़ पर जोरों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय प्रोफेशनली आपकी सिचुएशंस बहुत स्ट्रांग करके जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आप अवॉइड कर पाएंगे। मन, परिस्थिति, विचारधारा आपकी पॉजिटिव बनेगी, परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से आकलन करके कंट्रोल भी कर पाएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपको इम्प्रूवमेंट के दायरे में लाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आज के दिन आपके परिवार में लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी खत्म होने की सिचुएशन पर आएगा, कगार पर आएगा या नेगोशिएट करने की सिचुएशन में आप बेहतरीन अपने आप को एक पायदान पर खड़ा हुआ पाएंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।